वैजनाथ गिरथोली स्कूल में एक छात्रा व चतुर्थ श्रेणी कर्मी की कोरोना पॉजिटिव आने से मचा हड़कंप। उपमंडल के समीपवर्ती स्कूल राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गिरथोली में एक छात्रा व चतुर्थ श्रेणी कर्मी के कोरोना पॉजिटिव आने से स्कूल में हड़कंप मच गया। स्कूल को शुरू हुए अभी 2 दिन ही हुए थे कि यह क्षेत्र में पहला मामला सामने आ गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार चतुर्थ श्रेणी कर्मी मंगलवार पूरा दिन स्कूल में उपस्थित थी तथा वे सभी स्टाफ के साथ संपर्क में भी आई थी। चतुर्थ श्रेणी कर्मी की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बारे में बुधवार सुबह स्कूल के प्रधानाचार्य को पता चला तो उन्होंने इसकी जानकारी एसडीएम बैजनाथ व बीएमओ महाकाल को दी गई। प्रशासन की ओर से तहसीलदार पवन ठाकुर, महाकाल ब्लॉक की स्वास्थ्य विभाग की चिकित्सक सहित टीम ने स्कूल का दौरा कर सारी व्यवस्था का जायजा लिया। प्रधानाचार्य अशोक राणा ने बताया कि चपरासी व छात्रा की कोरोना पॉजिटिव का पता चलने के बाद ही स्कूल को सैनिटाइज करवा दिया गया। उन्होंने बताया कि छात्रा 3 दिन से स्कूल में नहीं आई है तथा वह किसी छात्र के संपर्क में नहीं आई है। एसडीएम बैजनाथ सलीम आजम ने बताया कि गिरथोली स्कूल में 2 केस पॉजिटिव आने के बाद स्कूल को 2 दिन के लिए बंद कर दिया है तथा सभी विद्यार्थियों व स्टाफ का वीरवार को कोविड टेस्ट करवाए जाएंगे, जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम स्कूल परिसर में टेस्ट करेगी। वही चतुर्थ श्रेणी कर्मी व छात्रा को होम आइसोलेशन में रहने के निर्देश दिए हैं। ये सर गिरथोली स्कूल में आज कोरोना पॉजिटिव का केस आया, उसके बारे में गिरथोली सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एक पीएल जो है पॉजिटिव आई, आज ही सुबह पता लगा था। तो मैंने तहसीलदार बैजनाथ और बीएमओ महाकाल क्योंकि उनको बोला था कि आप वहाँ पे स्कूल में जाके आएँ और पूरा स्टेटस रिपोर्ट हमें दें। तो उन्होंने दिया है कि एक पीएल थी इसका पॉजिटिव आया, लेकिन वो पूरा दिन स्कूल में रही है और जाहिर है कि उसने वहाँ पर कुछ ना कुछ कॉन्टेक्ट्स में टीचर भी आए होंगे, चाय पानी भी पिलाया होगा, तो उसको तो आइसोलेट कर दिया गया है और 2 दिन के लिए स्कूल बंद कर दिया है हमने प्रिकॉशनरी। और कल हम टीचर्स के और जो 20-25 बच्चे जो आए थे उन सब का जो है वो हम टेस्ट करा रहे हैं कल उसी प्रांगण में। स्कूल तो नहीं लगेगा लेकिन टेस्ट होगा। लोग जिस ढंग से मैं अभी देख रहा हूँ जो मंदिरों में भी SOP का पूरी तरह से हम कोशिश तो कर रहे हैं, प्रशासन अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो नागरिक हैं उनको भी इसके लिए जागरूक होना चाहिए क्योंकि ये कोरोना अभी गया नहीं है पूरी तरह से। अभी पिछले आप ट्रेंड देख सकते हैं कि 3-4 दिनों से फिर पॉजिटिव केसेस जो है वो बढ़ने शुरू हो गए हैं और तीसरी लहर कोरोना की वो भी एक्सपेक्टेड है जो कि सितंबर में पॉसिबली हो सकता है। तो वैक्सीनेशन का काम जो है वो युद्ध स्तर पर चला हुआ है, 80% लोगों को 83% लोगों को जो है वो फर्स्ट डोज लग चुकी है, लेकिन फिर भी कुछ लोग रह गए हैं। और अगर जब तक ये वैक्सीनेशन पूरी तरह से नहीं होती तब तक हमें अपना वो जो SOP है कोरोना की COVID-19 की के 2 गज की दूरी और मास्किंग और सैनिटाइज करना है अपने आप को बार बार, तो वो करते रहें लोग क्योंकि इसमें हर आदमी का बचाव है और सारे लोग अगर इसको ईमानदारी से करेंगे तभी हम इससे लड़ पाएंगे। अगर इसको ये बोला जाए कि इसी प्रशासन ही देखेगा और जिस ढंग से मास्क को डाला जाता है आज की डेट में अपना इंट्रेक्शन जो है वो अपना कॉन्टैक्ट ना रखें और सारी जनता जो है इसके बारे में एक दूसरे को जागरूक भी करें, सबकी ड्यूटी है। बाकी स्कूलों में भी होंगे सारी टेस्ट? नहीं, ऐसा टेस्ट तो हम टीचर्स के तो सारे करा ही दिए गए हैं लेकिन फिर भी जहां पॉजिटिव कोई निकलेगा केस तो उस स्कूल को देखा जाएगा। ठीक, बैजनाथ से आपका फैसला टीवी के लिए संवाददाता शिवसूद की रिपोर्ट।